हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स। यहाँ पास क्लास आपकी चालू हो चुकी है जैसा कि आप सभी को पता है, और यहाँ पे आपको देखना है जल्द से जल्द कि क्लास आपकी चालू हो गई या नहीं हुई है। जैसा भी है आप मुझे जल्द इन्फॉर्म करें, क्योंकि यह लाइव क्लासेस जो है चालू हो चुकी है यहाँ पास, और कनेक्टिविटी जो है सभी तरह से आ रहा है। आपको यहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करके ये बताना है कि हमारी जो साउंड है आप सभी तक पहुँच हेलो रही है। सर, वेरी गुड सभी को इवनिंग वेरी गुड माय इवनिंग। ऑल डियर फ्रेंड्स। वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है थोड़ा मुझे इन्फॉर्म करेंगे। और यहाँ पास हम अपना पीपीटी जो है ऑन यहाँ कर रहे पास हैं। क्लास आज की आपकी क्लास के चालू हो लिए जो चुकी भी है है जैसा कि लेक्चर आपको अपना देखना है, चालू कि हो जल्द रहा से जल्द है, अभी आपको देखना है कि थोड़ा जल्द से सा जल्द सब्र क्लास आपकी बनाए यहाँ चालू हो गई पे। या नहीं हो गई काफ़ी जैसा कि आज आप मुझे जल्द इन्फॉर्म करें, परेशान हो गए हैं बहुत सारे लोग। क्योंकि यह लाइव क्लासेस जो है चालू हो चुकी है यहाँ पास, और कनेक्टिविटी जो है तरह से आ रहा है, चलिए ठीक है, आल ओके सर। यहाँ पास मुझे मैसेज मिल चुका है, एवं आपको सरोज कुमार जी यहाँ पास आपका है, हो गई सर चालू। चलिए ठीक है, रितु पटेल पटेल जी एवं काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पास मुझे जो है मैसेज देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आज की हमारी क्लास में जुड़ने के लिए। अभी अपना जो भी लेक्चर चलेगा तो उम्मीद करते हैं कि पूरा लेक्चर जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी का रहने वाला है। आप सभी लोग आराम से थोड़ी सब्र बनाए रहें। कुछ वीडियो हम शेयर कर दें, 2 मिनट समय लगेगा, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि ज़रूरी है वीडियो सभी तक शेयर करना। एक मिनट। जैसे ही 8 बजे तो काफ़ी लोगों का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगा था। चलिए ठीक है, अभी जो है अपनी जो वीडियो है यह आ चुकी है आप सभी तक, और आप सभी लोग यहाँ पास हमारे साथ में जुड़ भी चुके हैं। समथिंग 28 मेंबर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर अपनी जो क्लासेस है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर समझ में आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसा भी होगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक यही है, पोस्टल असिस्टेंट या फिर पोस्टमैन क्लासेस। एक मिनट, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे स्लाइड को बंद करना चाहूँगा और यहाँ से ओपन करूँगा मैं। आपके MTS क्लास का और पोस्टल असिस्टेंट का, पोस्टमैन का, इन सभी का सिलेबस क्या है, सिलेबस को आपको कैसे तैयारी करना है, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो के रूप में आपको मैं भेजूँगा। क्लास आपके आपकी ली जाएगी उस पर, जिस पर बताया जाएगा आपको कि आप अलग अलग तरीके से कैसे तैयारी करेंगे सभी सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम यहाँ पास बात करें अगर पोस्टल असिस्टेंट जो आप PA की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो सिलेबस है आपका, ठीक है, सिलेबस जितना भी है वो पूरा हम कवर करवाएंगे। PA का जो क्लास है आपका 3 महीने का क्लास होता है, बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। तब कैसे, पूरा मतलब इस पे समय देंगे, मैथ, GK और अपना डिपार्टमेंटल, क्योंकि आपकी जो PO Guide 1 है, PO Guide 1 ये काफ़ी लंबी हो जाती है, इसके साथ में आपकी PO Guide 2 है ये भी लंबी हो जाती है, इसके साथ में आपका बैलूम भी है, ठीक है, बैलूम आपका 6 Part 1 3 हो जाता है, और इसके साथ में चलिए 7 भी है इस पे। चलिए बैलूम 7 6 ये सब कुछ है। SB ऑर्डर इस पे आते हैं, IT मॉडर्नाइजेशन इस पे आती है, काफ़ी सारा चीज़ है इस पे। तो ये जो आपका DOP पार्ट है ये 3 महीना इसको कंप्लीट करने में लगेगा। यदि आपको जीरो नॉलेज है उस कंडीशन पे बात कर रहे हैं, अगर आपको पहले से कुछ नॉलेज है तब भी आपको अगर आप रिवीजन भी करेंगे तो इतना ही टाइम लगने वाला है। हाँ, ये टाइम इसलिए क्योंकि आप जॉब में हैं, ठीक है,
और जॉब के साथ साथ में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है आपकी स्टडी के लिए, ठीक है। स्टडी के लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ता है और वो समय आपको पूरा मिल नहीं पाता है, तो थोड़े थोड़े समय निकाल करके आप जब स्टडी करेंगे, डेली का आपको समय बनाना है 3 घंटे, 3 घंटे आपका समय रहेगा पढ़ाई करने के लिए, जिसपे 2 घंटा तो हमारी तरफ से हो जाएगा, जो कि आपका 8 बजे से आपका 9 बजे और 9 बजे से आपका 10 बजे तक ये आपका क्लास का टाइम है। इसके बाद में आपको जितना भी समय हो सके, जितना भी आपसे हो सके, आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। चलिए, इसका जो सिलेबस है पीए क्लास का जो भी सिलेबस है आपका, वो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में EMTS क्लास के लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनका भी एक सिलेबस, इनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, इनका भी एक अलग से वीडियो बनेगा जिसपे हम तीनों चीज़ अलग अलग बताएंगे, ठीक है। GK, मैथ और आपका डिपार्टमेंटल, ऐसे इसका भी ऐसे ही आपका यहाँ पास हो जाएगा, पोस्टमैन के लिए, ठीक है, या फिर मेल गार्ड के लिए यहाँ पास आपका ये ऐसे। सॉर्टिंग असिस्टेंट भी आपका सेम होता है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हेलो, तो लगभग यहाँ पास समझ में आ गया होगा सारे चीज़ें जो भी हैं, और ये सब तो नॉर्मल है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, सिलेबस देखना होता है। चलिए, कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अपनी क्लास के माध्यम से जितनी भी लेक्चर ली जाएंगी उस पर हम एक चीज़ हमेशा पहले से कहते आए हैं और आज भी यही कहेंगे कि जब भी आप स्टडी करें तो आपको एक कॉपी रखना है, ठीक है। देखिए, वो पॉइंट अलग है कि आप PDF वगैरह में भी पढ़ेंगे, ठीक है, PDF में आप पढ़ेंगे, PDF तो आपके पास रहेगा, लेकिन आपके पास स्वयं की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्वयं की कॉपी में आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। स्वयं की कॉपी में नोट्स बनाना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने कौन से टॉपिक की कौन सी चीज़ को हमने किस पन्ने में हमने रखी है, ठीक है, ये होता है। और जब आप PDF फाइल देखेंगे तो कभी मोबाइल में वो फाइल इधर से उधर चली जाएगी, कहीं चली जाएगी, तो आपके पास आपका खुद का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी लेना है, और एक नहीं लेना है, 2-3 कॉपी लेना है, उसमें अलग अलग पार्ट में आपको देखना बनाना है, जो जिस टॉपिक का होगा उसको उसी में आपको बना के चलना है, ठीक है। जैसे आपका एक कॉपी हो जाएगी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की, तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की आपने कॉपी बनाई है, इसमें आपको क्या क्या नोट करना होगा, इसमें आपको नोट करना है सबसे पहले कि इसका जो थ्योरी मटेरियल है PO गाइड 1 का, तो आप थ्योरी नोट करेंगे, इसके साथ में आपके जो भी MCQ बनते हैं तो MCQ नोट करेंगे। इसमें एक कॉपी में आपका 3 पार्ट रहेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पास देखना होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके डाउटफुल वाले होते हैं, ठीक है, तो डाउटफुल वाले के लिए एक अलग पार्ट बनाएंगे। मतलब ऐसे ही एक कॉपी में 3 पार्ट हो गए आपका सभी विषय में। मैथ का तो छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं, उस पर सब सही है। संजीव कुमार सर, चलिए वो भी समय आपका जो है तो वो भी लॉन्च किया जाएगा, सुबह में भी क्लासेस चलेंगी, बट अभी के डेट में थोड़ा सा शाम को ही क्लास आ रही है, ठीक है संजीव सर। कॉपी आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है सर। चलिए, अब हम चलते हैं अपने कोर्स की ओर, जो हमने आज देखना है। आज की जो वीडियो है हमारी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से ली गई है। इस पर जो चीज़ें बताई जाएंगी वह है आपके पोस्टमैन परीक्षा, EMTS परीक्षा और पोस्टल असिस्टेंट परीक्षा, तीनों के लिए बहुत ही कामगार है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे साथ में भी 45 मेंबर जुड़ चुके हैं, जिसमें से 14 लाइक वीडियो को कर दिए हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, तो यहाँ पास हम क्या देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 देख रहे हैं, और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास को चुना है, जो कि सबसे बढ़िया है। और ये क्लास हमारी 2019 से चल रही है, ठीक है, 2019 पे पूरा काम किया, फिर 20 में भी चली, 21 में चल रही, अब 22 में तो आप सब साथ में है ही। काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका इस पे आया है मुझे कि जो एग्ज़ाम है आपका EMTS और पोस्टमैन का, यहाँ पास आप देख सकते हैं इसकी दोनों की जो डेट यहाँ पर दिखाई गई है, तो डेट क्या है, तो हो सकता है इसका डेट जो है तो चेंज किया जाए, आगे पीछे थोड़ा सा किया जाए, या फिर
एक एक एग्जाम को आपका शाम को लिया जाए और एक सुबह में लिया जाए, ठीक है? तो ये कन्फ्यूजन जिनके भी मन में रहा होगा, तो ऐसे एक क्लियर हो सकता है आगे चल के। 8 बजे से। हाँ अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट हाँ वन के अभी आगे। स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो सिलेबस की वीडियो आएगी, जिसमें हम बताएंगे कि आपको किस तरह से स्टडी करना है अलग अलग आप कैसे सब्जेक्ट में, जॉइन होंगे उसमें ये हम पूछ रहे सभी हैं। को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके वीडियो देंगे, और हाँ वहाँ आप पास मुझे आपको व्हाट्सएप मिलेगा पे कि मैसेज कौन से कीजिए। विषय में, कौन से हाँ चैप्टर में इसी आपको व्हाट्सएप कितना पे तुरंत स्टडी करना मैसेज है, वो कीजिए, सारी आपका चीज़ पेमेंट अलग कर अलग आएगी, दूंगा। ठीक है? लेकिन अभी के क्या है कि सभी का है कि आप थ्योरी वीडियो मैं कैसे आपको पढ़ाते टेंथ हैं, आपका पोस्ट डेमो कैसे के आएगा, जो इस आपका वजह से मैं ये क्लास अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पीओ गाइड पार्ट पे वन तैयार का, करना ठीक है? पड़ेगा। सिलेबस वगैरह मैं आपको कल की वीडियो हाँ में बाकायदा भेज दूंगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप लोग चलिए क्लिक सबसे करके पहले हम इस ग्रुप पे में पढ़ेंगे भी ज्वाइन हो ऑर्गेनाइजेशन। सकते हैं लाइव क्लास में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन जो है आपका अलग अलग सेक्शनों में जी डिवाइड सर। है, इसमें सेक्शन चलते हैं, ठीक है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, हाँ यही सेक्शन हम बात थ्री, कर रहे सेक्शन हैं। फोर ऐसे करके इस पे चलेगा। आपको एक सेक्शन में, पहला सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ इसी पे देखना चले, है, इसी पे फिर जाते हैं सेक्शन टू हम। में क्या है वो सारी चीज़ें देखना इसी है, में जा ऐसे के आगे होम बढ़ते इंग्लिश पे चलना है। चले, इसे अभी हम रखे हैं अपने हाथ चलिए में। हम सबसे पहले सेक्शन 1 पे अगर बात करें, तो यहाँ पास आपको देखना है चलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है? विभाग का संगठन जो है ये कैसे बना वो हुआ अगर है। आप अभी मैसेज विभाग भेजें, का हम आज की संगठन आप क्लास की अगर लिंक आपको भेज दे रहे हैं। नॉर्मली अगर जाएंगे आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और कि कैसे ये काम करता है, कैसे बना क्या हुआ है, बनेगा? सारा कुछ आप देख सकते हैं। बाकी इस पे भी देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट जो है इस पे, यहाँ पे आप देखेंगे पेन कहाँ गई, हाँ इस पे हाँ है ठीक है, पोस्टल ठीक है सर। सर्विस मैंने बोर्ड, आप इस हमें पे मेसेज मेन भेजे तो हम आज की काम लाइव होता क्लास है की पोस्टल लिंक सर्विस आपको बोर्ड भेज का, दीजिए, इसका आपको जो बेसिक सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नेंस, चला शासन दीजिए। प्रणाली है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ को देखेंगे जो कि आपका महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इस पे देखेंगे जी। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? आप डिपार्टमेंट, विभाग का संगठन, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। इसके साथ ही डाक सेवा बोर्ड, जिसे आप कहते हैं PSB, पोस्टल सर्विस बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से P आपका यस और B, इन तीनों का फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है PSB, ये क्या होता है, पोस्टल सर्विस बोर्ड। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है, इसकी शासन प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करती है, ये भी आपको अच्छी तरह से समझना है। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, यह आपका कोई भी आपकी क्लास हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, सब में यह पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे और इस पे हम देखते चलेंगे। डाक विभाग जो है डाक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है? डाक विभाग क्या है, जो आपका इंडिया पोस्ट है, ये किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पास देख सकते हैं, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है? संचार मंत्री इसके प्रभारी होते हैं, इसके प्रभारी कौन होते हैं, संचार मंत्री होते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा कहीं पे भी डिस्टर्ब करेगा, लाइक करेगा, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ऐसा लग रहा मुझे कि कहीं थोड़ा बहुत वीडियो में दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पास कनेक्टिविटी जो है मेरे लैपटॉप में कम दिख रहा है, पता नहीं कैसा है। चलते हैं, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो इसका है, यहाँ पास देख सकते हैं, सेक्रेटरी पोस्ट, सचिव। अभी हमारी साउंड बराबर आ रही है, थोड़ा मुझे कमेंट करेंगे रविशंकर जी या फिर महेंद्र जी, कोई भी। यहाँ पास है सेक्रेटरी पोस्ट, डीजी पोस्ट। डीजी पोस्ट मतलब आपका जो डायरेक्टर जनरल डाक महादेशक, महानिदेशक, ये इनकी बात की गई है। और डाक महानिदेशक डाक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। डाक सेवा मंडल जो है विभाग के अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष और 6 मेंबर होते हैं, हेलो, ठीक है? चलिए वेरी गुड, किए हैं आप आप? सभी का यहाँ पास मुझे कमेंट वगैरह मिल रहा जी जी है देख और रहे कोई हैं। भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा। धीरेन्द्र सर गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक आ रही है वॉइस, चलिए बहुत बढ़िया सर, यस सर, साउंड ओके है। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी।
इस पे हम कुछ चीज़ें आज एक्स्ट्रा लेकर आए हैं जो कि आपको यहाँ पास देखना है। अलग अलग पॉइंट हैं और ये सारे पॉइंट कहाँ से लिए गए हैं, इंडिया पोस्ट की साइड से लिए गए हैं, कोई भी अपने से नहीं बनाया गया है। बस हमने एक चीज़ यहाँ पे किया हुआ है, दीपक जी देखिएगा यहाँ पास, अंजू जी यहाँ पास, आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ें हैं ये बस हमने किया क्या है कि जो इंडिया पोस्ट की साइड में है वहाँ पे क्या है, इंग्लिश पे है, हमने हिंदी में कर दिया है, ठीक है। डाक विभाग जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये एक लाइन जो है ना यही बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है। चलिए आगे, इसी में जो दूसरा पॉइंट है, डाक सेवा बोर्ड विभाग के शीर्ष प्रबंधन निकाय में अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। डाक सेवा बोर्ड जो है आपका, पोस्टल सर्विस बोर्ड जो है, इस पे विभाग के शीर्ष प्रबंधन निकाय के अध्यक्ष और इसके साथ ही 6 सदस्य और शामिल होते हैं। चलिए ठीक है, दूसरी पॉइंट इसी पे निकलती जाएगी। बोर्ड के 6 सदस्यों के पास, ठीक है, क्रमशः कार्मिक, संचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, बैंकिंग और डीबीटी और योजना विभाग है, अलग अलग विभाग हैं। और ठीक है, इन सभी विभाग में जो आपने यहाँ पास देखा, इन सभी में एक एक पर्सन यहाँ पे क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं। उन सभी ऑफिसर्स का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उनका भी यहाँ पास बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए आगे चलते हैं इसी पे, विभाग के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसी में आगे देखेंगे, बोर्ड के सचिव के रूप में निदेशालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा बोर्ड की सहायता की जाती है। उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक मुख्यालय के बोर्ड के लिए आवश्यक कार्यात्मक सहायता प्रदान करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पास और ली गई है आपकी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से ही, क्योंकि यहाँ पास इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखना है और आपका जो है अपडेट होते रहता है, तो उन सभी चीज़ों को देखना है। जैसे यहाँ पास पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो मेंबर की बात की गई है, वो लोग समय समय पर चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित तो होते रहते हैं, तो आपको उनका नाम जो है तो देख कर रखना होता है। इंग्लिश पे बोलिए, थोड़ा यहाँ पास आप का कमेंट है, सॉरी हमने हिंदी हिंदी ही ज़्यादा हमने बोला है, और यहाँ पास आप इंग्लिश में पूरा सब चीज़ वही देख सकते हैं जो कि हमने पहले वहाँ पे बोला हुआ है। हेडक्वार्टर की बात की जाए इंडिया पोस्ट की, तो यहाँ पास जैसे कि आप देखेंगे, इंडिया पोस्ट जो है आपका हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फाउंडर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका, ठीक है। और ये जो फाउंडर 1 अक्टूबर स्थापना कब हुआ इसका डाक विभाग का, तो यहाँ पास ये देख सकते हैं आप, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पास क्या है, 1 अक्टूबर 1854 जुरिडिक्शन इंडिया। इस पे अभी अभी हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है अटैच हो चुकी है इसके साथ में। और यदि आप हमें ये बताएं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट के साथ में कब शुरू की गई है, तो बहुत बढ़िया होगा, क्यों प्रमोद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पे, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात की जाए, तो यहाँ पास इंग्लिश में है पूरा, तो आप इंग्लिश पे जब भी देखें इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पास भी लिखा हुआ है नीचे में, 75% जो एम्प्लॉई हैं, आगे देखेंगे आप, 75% जो एम्प्लॉई हैं ये क्या है, डाक विभाग से लिए जाते हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस में। आज हमको लेट हो गया, हाँ जी लेट तो हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, कुछ चीज़ें यहाँ पास दी गई हैं ये भी आपको देखना है। गवर्नेंस सिस्टम जो है इसका, शासन प्रणाली जो है ये है, इस पे टोटल जो है 23 सर्किल हैं, ये तो आप सभी को पता ही है कि हाँ 23 सर्किल हैं इस पे। सभी सर्किल को अलग अलग स्टेट के रूप में टर्मिनेट किया गया है, अलग अलग डिवाइड किया गया है। 1 सितंबर 2018 आईपीबी रायपुर रांची, क्या बात है, बेहतरीन। जैसे गुजरात के बारे में यहाँ पे देखिए, गुजरात जो है अपने
कार्य क्षेत्र के अलावा और अन्य डाकघरों का भी काम देखता है। डाक क्षेत्र का जैसे यहाँ पास क्या क्या है, दमन है, दीव है, दादरा है, नगर हवेली है, ये सारा चीज़ अभी हम आगे भी देखने वाले हैं। ये सिर्फ इंग्लिश पे है, पढ़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट सर्किल के अंतर्गत में कौन कौन से चीज़ आते हैं, यहाँ पास है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो ये 6 राज्य यहाँ पे आते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम एक एक चीज़ फिर से दिखाते हैं। हिंदी पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पास भी बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देगा। डाक विभाग जो है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। संचार मंत्री इसके प्रभारी होते हैं और डाक महानिदेशक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसके अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं इस पे, उन सभी को आगे हम देखेंगे। चलिए यहाँ पास देखिए जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड की बात की गई है। पोस्टल सर्विस बोर्ड जिसे हम कहते हैं डाक सेवा बोर्ड, तो यहाँ पास अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। 6 सदस्य जो होते हैं वह कौन कौन से पद में होते हैं, कौन कौन सा 6 मेंबर जो है वह कौन कौन सी अलग अलग शाखा यहाँ पे डिवाइड है। पर्सनल होती है जिसे हम कार्मिक के नाम से जानते हैं, बैंकिंग होता है, एक होता है आपका PLI और दूसरा है मानव संसाधन विकास HRD एंड प्लानिंग जो होता है। यहाँ पास आप देखेंगे HRD जो लिखा हुआ है, HRD का भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जिसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। यहाँ पास नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसके साथ में ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी, ये सभी पे अलग अलग मेंबर जो हैं अभी कार्यरत हैं, उन सभी का नाम आप इस स्लाइड में अब देखने वाले हैं। चलिए ये जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके नाम परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको अच्छी तरह से याद रखना है सभी मेंबर का नाम को, ठीक है। क्योंकि आप जब याद रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे, परीक्षा में यही आता है, आपको ये पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है। विनीत पांडे जी जो हैं अभी वर्तमान में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट चेयरपर्सन पोस्टल सर्विस बोर्ड, ये आपके आ जाएंगे इस पे अभी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल जो DG की हम बात करें हैं घर अभी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल जिसे आप कहेंगे डाक महानिदेशक, तो ये हो जाएंगे अभी श्री आलोक शर्मा जी। यहाँ की जो ये पूरी स्क्रीन है आपकी, ये हमेशा यही नहीं रहती है जिनका नाम यहाँ पे है, ये चेंज होते रहता है। इस वजह से आप जब भी इसकी पढ़ाई करेंगे, जब भी आप इनके नाम देखेंगे, तो आप एक बार इंडिया पोस्ट की वेबसाइट ओपन करके ज़रूर देखना। ऑर्गेनाइजेशन आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखेंगे तो ये वाली जो साइट है ये आ जाती है, वहाँ पर सभी मेम्बर के नाम शो होते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पास मेंबर ऑपरेशन के बारे में दिया गया है, कौन है यहाँ पास, मिस आंध्री अनुराग जी हैं। मेंबर आप टेक्नोलॉजी पे कौन कार्यरत हैं, तो मिस स्मिता कुमार जी, श्री अशोक पोद्दार जी जो हैं यहाँ पास कोऑर्डिनेशन में है। और मेंबर आप पर्सनल पे जो कार्यरत हैं, तो अभी यहाँ पास श्री बिनिया प्रकाश सिंह जी हैं। इसके साथ में DBT और जो बैंकिंग है इस पे संजय सरन जी हैं। अलका झा जो हैं प्लानिंग और HRD में है, PLI में जो हैं, तो श्री यस मार्विन अलेक्जेंडर हैं। क्या आप इन सबकी PDF भेजेंगे? हाँ जी, PDF वगैरह मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। विभाग का संगठन जो है, विभाग के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बोर्ड के एक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति है, ये तो ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा बहुत कुछ क्लियर हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पास जो इसका फाउंडेशन यूनिट है, आप सभी को पता भी होगा ये सारी चीज़ें। फाउंडेशन यूनिट जो है ये किस प्रकार से है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है अच्छी तरह से नहीं शो हो रहा होगा आपका जो फोटो है, तो इसमें हम दिखाना चाहेंगे। सबसे ऊपर में होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और यहाँ अगर आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पास आपका पोस्ट ऑफिस, सबसे नीचे में मिलेगा हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो आप सभी जो मैक्सिमम लोग यहाँ पास वीडियो अभी देख रहे हैं हमारे साथ में लाइव हैं, तो यहीं से होंगे, हेड पोस्ट ऑफिस से या फिर सब पोस्ट ऑफिस, और मैक्सिमम साथी हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं।
तो ये जो सिस्टम आप फाउंडेशन इस पे है, ये नक्शा जो है, इसकी भी फ़ोटो हम आपके पास शेयर करेंगे। इस पे कैसे कैसे काम होता है, सबसे ऊपर जो टॉप में है, यहाँ पास आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसी से दो शाखाएँ यहाँ पे बढ़ती हैं, दो पार्ट आपके होते हैं, एक चला जाता है आपका डीजी की तरफ और एक चला जाता है आपका सेक्रेटरी पोस्ट की तरफ, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट अभी वर्तमान में विनीत पांडे जी हैं और डीजी जो है अभी आपका आलोक शर्मा जी हैं। ठीक है, यहाँ से फिर ये 6 मेंबर जो हैं, इस पे मेंबर जो हैं पर्सनल सॉरी पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो मेंबर हैं यहाँ पास, और इसके साथ में एक और एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। ये फिर यहाँ से अलग अलग शाखाओं में डिवाइड होता है। आर्मी पोस्टल सर्विस की जो है एक अलग शाखा यहाँ पास है, ठीक है, और इसी पे आप अगर देखेंगे आरएमएस सेक्शन जो आपका रहता है, आरएमएस सेक्शन आपका अलग एक शाखा यहाँ से निकलती है। ये रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, इसके अंतर्गत ये डिवाइड होता है। आपका पोस्ट ऑफ पोस्टल डिवीजन अलग है, ठीक है, तो यहाँ पास अब इनको देख रहे हैं। और ये आपकी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शाखा है, पोस्टल डायरेक्टरेट है, ये अलग है। सभी का अलग अलग यहाँ पास डिवाइड किया हुआ है, किसमें कैसे आना है इसका पूरा नक्शा दिख रहा है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा आप इंक्रीज करेंगे तभी सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख पाएंगी। मैं इसकी फ़ोटो शेयर कर दूंगा तो आप लोग ज़रूर अच्छे तरह से उसको देख लेना। अब यहाँ पास ज़्यादा क्या बताएं, डाक सेवा प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्किल में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। प्रत्येक डाक सर्किल का प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल CPMG होते हैं, ठीक है। तो जो पूरे देश में अपने पूरे भारत में डाक विभाग को कितने सर्किलों में विभाजित किया गया है, 23 सर्किल में विभाजित किया गया है और 24 आपका GPO है इस पे जनरल पोस्ट ऑफ। तो ये भी आता है क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शासन प्रणाली यहाँ पास फिर से थोड़ा सा रिपीट हो रहा है आपका। प्रत्येक सर्किल को आगे के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो सर्किल है आपका इनको आगे की क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जैसे आपका डाक मंडल और रेल, ठीक है, मेल सेवा मंडल, आपकी जो पोस्टल सेवा है और आरएमएस सेवा है, इन दोनों को अलग अलग विभाजित किया जाता है रीजनल से सर्किल से, जैसे कि आप यहाँ पास अभी फोटो में आपको हमने दिखाया है कैसे। चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से हम यहाँ पास जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पास है आपका क्या है, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल है, यहाँ से एक शाखा आपकी अलग बट रही है, एक आरएमएस में जा रही है और दूसरी आपकी इधर पे आ रही है पोस्टल डिवीजन में, आगे है जनरल पोस्ट ऑफिस है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, ऐसे पोस्टल स्टोर डिपो है जी। यहाँ पास जो आपका यहाँ पास क्या है, PSD पोस्टल स्टोर डिपो, PSD का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो PSD का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वाला मोस्ट पॉइंट है, इसके साथ में यहाँ पे जो है RAKNPA, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। RMS का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, जो कि है रेलवे मेल सर्विस, और RAKNPA मतलब रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए लगभग समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। आगे कुछ और चीज़ें हैं इसी में, चलिए इनको भी हम देखते हैं। जो सर्किल और क्षेत्र में अन्य कार्यरत इकाइयां, जैसे सर्किल टिकट भंडार, ठीक है, डाक वस्तु भंडार, मेल मोटर सेवा इत्यादि हैं, जैसे आपने उस मैप में देखा। और 23 सर्किल के अलावा आपकी टोटल जो सर्किल है 23 हैं, 23 सर्किल के अलावा इसमें एक और सर्किल शामिल होती है जिसे हम बेस सर्किल के नाम से जानते हैं। बेस सर्किल, जैसे यहाँ पास आप देख रहे हैं बेस सर्किल है, हम इस बेस सर्किल को क्या कहते हैं, आर्मी पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्टल सर्विस के नाम से भी आगे जानते हैं। चलिए जैसे कि आपको हम आगे इसके बारे में ही दिखाने वाले हैं। बेस सर्किल जो है, बेस सर्किल का जो नेतृत्व करते हैं एक अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं, जो सेना डाकघर, जो सेना डाक सेवा APS आर्मी पोस्टल सर्विस, एक मेजर जनरल के पद पर होते हैं। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में सिविल पदों से प्रतिनिधित्व पर अधिकारी शामिल होता है। सेना डाक सेवा के अन्य रैंक के 75%, ठीक है, डाक विभाग से लिए जाते हैं, शेष कर्मियों को सेना द्वारा भर्ती किया जाता है।
जो सेना डाकघर में यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, तो 75% 75% जो इम्प्लॉय होते हैं इनको डाक विभाग से लिया जाता है, डाक विभाग से लिए जाते हैं। बाकी के जो और मेंबर होते हैं उनको, शेष कर्मियों को सेना द्वारा भर्ती किया जाता है। चलिए ठीक है। तो एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वही है, अतिरिक्त महानिदेशक जनरल, मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल। डाक सर्किल और उसके मुख्यालय, हमने ये जाना कि टोटल 23 सर्किल हैं। अब 23 सर्किल तो हो गई, सभी सर्किल का अपना अपना एक मुख्यालय है और उनके मुख्यालय आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं। जिसका भी मुख्यालय है उसके सामने यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसकी पीडीएफ जो है हम इंग्लिश पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग इंग्लिश वाला भी देख लेना, जिसपे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं भी इस पर हम अपडेट नहीं कर पाए हैं। आंध्र प्रदेश जो डाक सर्किल है, इसका मुख्यालय जो है विजयवाड़ा में है, असम का गुवाहाटी में है। अभी हम बहुत ही जल्द क्या करने वाले हैं, आपको क्विज करवाएंगे इसका, सर्किल वाला। तो यहाँ पे सर्किल देखिए, इसका क्विज जरूर करना। ये एमसीक्यू जो आएगा आपका, बिहार का आपका पटना हो जाता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाता है, दिल्ली का नई दिल्ली है, गुजरात का अहमदाबाद है, हरियाणा का अम्बाला है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, झारखंड का रांची है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी स्लाइड तरफ ध्यान दें, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरल का त्रिवांतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, उत्तर पूर्व का शिलोंग, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तरांचल का देहरादून, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, तेलंगाना का हैदराबाद सिटी। ठीक है। तो ये सारे जो सर्किल और उसके मुख्यालय हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और ध्यान देना है और इनको अच्छी तरह से नोट भी कर लेना है। जैसे कि हमारी इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पास केरल जो है, महाराष्ट्र जो है, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इसके साथ में गुजरात, ठीक है, उत्तर पूर्व, इन सारे चीज़ को रेड मार्क दिया गया है। कुछ में नहीं दिया गया तो उसमें मान लो दिया जाएगा। आगे इनका भी बहुत बड़ा रोल है और ये रोल क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे गुजरात का नाम आया इस पे, तो गुजरात जो है एक सर्किल है, ठीक है, और ये जो डाक सर्किल है अपने साथ साथ में एक दूसरे सर्किल को भी अच्छी तरह से देखता है, दूसरे राज्य के भी कार्यभार को संभालता है। जो दमन है, दमन जो राज्य है, दीव है, दादर है, नगर हवेली है, यहाँ पे जो भी कार्यभार होता है इन सभी का ठेका लेके कौन बैठा हुआ है, गुजरात। केरल जो है ये लक्षद्वीप का कार्यभार को संभालता है। ठीक है। तो केरल का जो मुख्यालय है वही हो जाएगा फिर लक्षद्वीप का। महाराष्ट्र जो है अपना कार्यभार संभाल रहा है और अपने साथ साथ में गोवा को भी मैनेज करता है। ठीक है। तो ये ध्यान देना है, गोवा जो है किस सर्किल के अंतर्गत आता है। आपका क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से बनता है, मेन क्वेश्चन जो सर्किल से रिलेटेड बनते हैं आपके, यहीं से बनते हैं कि गोवा जो है, गोवा किस डाक सर्किल के, किस पोस्टल सर्किल के अंतर्गत गोवा आता है। ठीक है। फिर ऐसा भी इसमें क्वेश्चन आपका बन सकता है कि गोवा जो है महाराष्ट्र डाक सर्किल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय है। तो ये क्वेश्चन के पॉइंट हम बता दे रहे हैं इस पे, जैसे कि आते हैं, क्योंकि अभी जब से क्लास चला रहे हैं तो इस पे हमने कुछ एक्सपीरियंस हमने देखा है, कुछ हमने क्वेश्चन पे देखा, इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। डाक सर्किल यहाँ पास उत्तर पूर्वी डाक सर्किल जो यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, इसको तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। उत्तर पूर्वी डाक सर्किल जो है इस पे आपका छह राज्य हैं जिसको उत्तर पूर्वी डाक सर्किल देखता है। अभी हमने इसके पहले हमने बताया कि उत्तर पूर्वी डाक सर्किल का मुख्यालय क्या है। चलिए मुख्यालय का टाइप करिए आप, जब तक हम यहाँ पे छह के नाम ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी डाक सर्किल जो है अपने कार्यभार को पूरा देखता है और पूरा देखने के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सभी के कार्यभार को भी देखता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी तरह से आपका पंजाब हो जाएगा, पंजाब जो डाक सर्किल है ये चंडीगढ़ को देखता है, और साथ में तमिलनाडु जो है यह पांडिचेरी को देखता है। ठीक है।
तो वीडियो पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा लाइक में कमी है, मुझे यहाँ पास पूरा दिख रहा है और शिलोंग। चलिए बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद नरेंद्र जी, गीतांजलि और शर्मा जी, आपका कमेंट मुझे यहाँ पास मिला हुआ है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल बक्सर जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड क्लास, थैंक यू। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के पहले पॉइंट में दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट, सॉरी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन के पहले चैप्टर में है, पहले सेक्शन में, पहले पार्ट में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको हमने देखा। और दूसरे पॉइंट में आता है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, पहले पॉइंट से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं एमटीएस और पोस्टल असिस्टेंट के किसी भी एग्जाम में दो क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपका ये दूसरा नंबर का पॉइंट है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, जो हमारा ये दूसरा दो पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो ये इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए यहाँ पे दो लिखा है, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस लिख देते हैं। अब दो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ रखा है अभी सेक्शन वन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेक्शन वन पे हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, और हम इसके अब दूसरे पार्ट में पढ़ने वाले हैं, दूसरे क्लॉज में हमने पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, या फिर आप कहेंगे डाकघर के प्रकार, तो पूछा जाएगा कि डाकघर के प्रकार जो हैं किस क्लॉज में आते हैं, किस सेक्शन में आते हैं। तो डाकघर के प्रकार जो हैं, ये डाकघर के प्रकार जो है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस किस सेक्शन में आता है, सेक्शन वन में आता है, और कौन से रूल में आता है, कौन से क्लॉज में आता है, तो ये टू में आता है, क्योंकि वन में तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी लता जी। अब चलिए देखते हैं डाकघर के प्रकार हमारे जो हैं, तो यहाँ पास पहला प्रकार हो जाएगा हमारा हेड पोस्ट ऑफिस, जिसे आप प्रधान डाकघर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा होता है उप डाकघर, और तीसरा हमारा होता है छोटा डाकघर, जिसे हम कहते हैं ईडी शाखा डाकघर। अब सभी शाखा डाकघर, ब्रांच ऑफिस जो भी हैं, ठीक है, और आपका उप डाकघर, और ये क्या है आपका प्रधान डाकघर, सभी पे अलग अलग प्रकार से काम चलते हैं। अब हम आगे इनके काम को देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस जो है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इसमें कौन सा काम होता है, सब पोस्ट ऑफिस इसमें कौन सा काम होता है, इसके साथ ही हेड पोस्ट ऑफिस है उसमें कौन सा काम होता है, और इन तीनों पोस्ट ऑफिस में अलग अलग क्या चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा और अच्छा भी रहेगा, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन पे भी हम बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम इसकी स्लाइड बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस आप और सुने होंगे, नाइट पोस्ट ऑफिस, नहीं सुने होंगे तो अभी सुने, नाइट पोस्ट ऑफिस एक होती है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं रात्रिकालीन डाकघर, और एक और होती है एन और एम पी ओ। तो कभी कभी हम आपसे अगर यह पूछ लें कि डाकघर के प्रकार कितने, डाकघर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है आपका, देखिए यहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस हो गया, सब पोस्ट ऑफिस हो गया, ब्रांच पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर और कौन सा है, नाइट पोस्ट ऑफिस है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, लेकिन इसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। डाकघर के जो प्रकार हैं वह कितने होते हैं, तीन होते हैं, तीन, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इतना ज़्यादा मार कर रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा गलती हुई है आप लोगों से, अभी नहीं हुई है, आप लोग तो अभी न्यू हैं, लेकिन पहले जो किए हैं उस पर गलती हुई है। हम पूछे डाकघर के प्रकार कितने हैं, ऑप्शन में दे दिए हम पांच, तो ये लिख दिए आल, आल मतलब पांचों कौन कौन से हो गए, मोबाइल पोस्ट ऑफिस को भी ले लिए और नाइट पोस्ट ऑफिस को भी ले लिए, बट वो अलग चीज़ है ना, उसको अलग पढ़ना है, उसको अलग देखना है, उसको नहीं गिनना है। पोस्ट ऑफिस आपके तीन प्रकार के ही हैं, आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पहला हो जाएगा, सब पोस्ट ऑफिस और प्रधान डाकघर आपका तीसरा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पास आप देखिए टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस जो आपने पहले पॉइंट में देखा, इसमें हम उसके बारे में कुछ देखते हैं कि जो आपके पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से कारोबार होते हैं, क्या काम चल रहा है इस पर। पहले नंबर पर हम अगर यहाँ पास देखना चाहें, कार्यालय के पहले दो वर्ग सामान्य रूप से सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का लेन देन करते हैं, पहले दो वर्ग सभी प्रकार के डाक का लेन देन करते हैं। पहले दो वर्ग कौन कौन से हो गए आपके, पहले दो वर्ग में आपका हेड ऑफिस हो गया और सब ऑफिस हो गया,
पहले दो वर्ग हैं, दो श्रेणी पहले की वन और टू, और तीसरी कौन थी, बीओ थी। बीओ में हमारा सब काम नहीं होता है, कुछ नहीं होते, बहुत बहुत कम काम होते हैं। तो इसीलिए लिखा है पहले दो वर्ग में सभी प्रकार के लेन देन लगभग सेम होता है। अगर आपका एस बी खाता ओपन होता है, क्लोज होता है, तो एस ओ में भी होता है और एच ओ में भी होता है, ठीक है, पूरे काम वही होते हैं। आमतौर पर डाक से वितरण, डाक प्रेषण, पंजीकृत लेखों और पार्सल को बुक करना और भेजना, एस बी जमा को स्वीकार करना, एस बी निकासी करना, मनी ऑर्डर जारी करना, मनी ऑर्डर भुगतान करना जैसे मुख्य मदों के लिए शाखा डाकघर में भी सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। तो आपके शाखा डाकघर में कौन कौन से कार्य होते हैं ये देखना है, शाखा डाकघर में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। तो आपका एस बी जमा, एस बी में आपका जो सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक में आपका कोई भी हो, उसमें जमा निकासी दोनों चालू है। डाक का वितरण जारी रहता है, डाक प्रेषण है, बुकिंग है, ये सारा है। मनी ऑर्डर जारी करना, मनी ऑर्डर भुगतान करना, ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ है। 40 लाइक कर दिए हैं जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझे ऐसा अनुमान है कि आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अभी तक हमने जितना भी क्लास चलाया है तो आपको अच्छी तरह से बन गया होगा। इसकी अगली पॉइंट यहाँ पे दी गई है कि इसलिए जैसा कि जनता का संबंध है, ठीक है, आमतौर पर उप डाकघर और प्रधान डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की किस्में में कोई अंतर नहीं है, सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन के संबंध में फर्क होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, बस यही बोला गया है कि जो आपका डाकघर है दोनों प्रकार के, चाहे वह हम सब ऑफिस की बात करें या फिर हेड ऑफिस की बात करें, दोनों कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर हो सकता है। बिहार का डीएसटी एग्जाम 9/4 को है। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने अभी बिहार सर्किल पे टॉप कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप जो 9 तारीख आपका जो पेपर है 9 अप्रैल को, इस पे भी आप लोग अच्छे से डीएसटी एग्जाम देंगे और बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका एमसीक्यू जो है, मेन प्रश्न जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, यहाँ से आपका एक निकल के आता है। यह आपका कौन सा टॉपिक है, यह आपका कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अभी, रूल नंबर आपका 2 है, 2 बोला जाए तो, क्लॉज नंबर आपका 2 है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस है। अधिक महत्वपूर्ण शहरों में प्रमुख कार्यालय राजपत्रित अधिकारियों के प्रभार में होते हैं। ये जो पॉइंट है इसको आपको बहुत अच्छे से नोट करके रख लेना है, क्या करना है, नोट करके रख ही लेना है। अधिक महत्वपूर्ण शहरों में, ठीक है, क्या है, अधिक महत्वपूर्ण शहरों में प्रमुख कार्यालय राजपत्रित अधिकारियों के प्रभार में होते हैं, और ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर में आते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के प्रधान पोस्टमास्टर अपने कार्यालय के संबंध में एक डाक अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राहुल जी, आप बहुत ही अच्छा कमेंट किए हैं। रंग बिरंगे रूप में जो आप स्लाइड प्रदर्शित करते हैं ना, ये तो आपका प्यार है, वो बहुत ही आकर्षक लगता है, जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। साथ ही हिंदी और इंग्लिश की थ्योरी कराना, ये बहुत ही सहायक होता है हम सबके लिए। थोड़ा सा इशू है सर इस पे, इंग्लिश वाला, इंग्लिश पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा स्लाइड ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पे साथ में लेकर आते हैं। अब वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, सेना डाकघर में वीपी और मनी ऑर्डर बुक नहीं होता है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला बहुत आता है, ठीक है, सेना डाकघर जो है, आर्मी पोस्ट ऑफिस जिसे आप कहेंगे, तो यहाँ पे वीपी और मनी ऑर्डर बुक नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार क्या हो सकता है, आपको फंसा सकता है। कैसे फंसाएगा, आप जब हमारी क्लास में एमसीक्यू करेंगे ना, वहाँ पे हम इसको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आपको फंसाता है, तब आपको देखना होगा। चलें आगे,
कुछ चीज़ें और हैं। आज आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पास अभी हम नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ पास हमारा एक सिस्टम अच्छी तरह से थोड़ा स्टूडियो जो है अच्छे से बन जाए, इसके साथ में हम भी आपके सामने रहेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। आप हमको फेस टू फेस देख सकते हैं, जब भी आपकी क्लास चलेगी तो हम फेस टू फेस आपके सामने इस स्लाइड में भी दिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा वो आपको, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पास आ चुका है, पीडीएफ पूरा इंग्लिश में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी है, थोड़ा आराम से पढ़ना और एमसीक्यू वगैरह करना। यहाँ पे भी हम रंग बिरंगे इस पे कर दिए हैं, रंग बिरंगा इसलिए कर दिए हैं हिंदी वाली लाइन को क्योंकि इसके दो तीन पॉइंट ही हैं जो बहुत ही लाजवाब पॉइंट हैं, क्योंकि उससे आपका एक नंबर मिलता है और वही एक नंबर आपके लिए क्या है, महारत है। चलिए देखिए, यहाँ पास डाकघर के काम के घंटे आमतौर पर सर्किल के प्रमुख द्वारा डाकघर गाइड के खंड 5 में दिए गए समय के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, द वर्किंग आवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाई द हेड ऑफ द सर्किल अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग। यही कहा गया कि जो आपका डाकघर का टाइम है ये फिक्स किया जाता है हेड ऑफ सर्किल के द्वारा, डाकघर के कार्यभार का जो टाइम है इसको फिक्स करने का काम किया जाता है हेड ऑफ सर्किल के द्वारा, ठीक है, सर्किल के प्रमुख द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में जब हम 2019 में अपनी क्लास को हम प्रारंभ किए हैं उस समय ये जो क्वेश्चन है दोनों में, उस समय ज़्यादा क्लासेस नहीं चलती थी, हम ही चालू किए थे पहली बार। हाँ, एमटीएस एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो ये जब हम क्लास चालू किए थे तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता था सभी का, और अभी ये मुझे नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे बनने लगा है या फिर अब नॉर्मल हो गया सब चीज़ नहीं पता, बट स्टार्टिंग में मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देंगे कि आपको एक बार पढ़ें और ज़िंदगी में दोबारा इसको ना पढ़ें, आपको याद ही रहे। सो जो काम के घंटे हैं, कोई भी आपका पोस्ट ऑफिस हो, ब्रांच पोस्ट ऑफिस कहीं भी, डाकघर के काम के घंटे का जो फिक्स करने का काम है आपका हेड ऑफ सर्किल का है। डाक महानिदेशक, ठीक है, किसी भी डाकघर के कार्य समय को 8:30 बजे तक 8:30 PM तक बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का काम जो करेंगे तो यहाँ पास महानिदेशक डायरेक्टर जनरल करते हैं। कौन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM, ओके, और उन्हें रविवार को भी खुला रख सकते हैं, ठीक है। नाइट पोस्ट ऑफिस आपका जो है, जनरली आपके नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं तो सोमवार से शनिवार तक ओपन रहते हैं, शनिवार को आधे टाइम तक ओपन रहते हैं, बट संडे को नहीं खुले होते हैं नॉर्मल पोस्ट ऑफिस। लेकिन जो यहाँ पास नाइट पोस्ट ऑफिस की बात की गई है, नाइट पोस्ट ऑफिस आपका संडे को भी चलता है, इन डाकघर को नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। अब ये नाइट पोस्ट ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस नाम क्यों दे दिया गया है, क्योंकि इसको 8 बजे तक, 8:30 बजे तक इसको चालू रखा जाता है, इसलिए इसको रात्रिकालीन डाकघर बोला गया है। हिंदी में इसका नाम आप देखेंगे रात्रिकालीन डाकघर, ये भी रहता है। यहाँ पे हमने नाइट पोस्ट ऑफिस इंग्लिश बस में हमने लिखा है, जबकि इसको आप जब पढ़ेंगे रात्रिकालीन डाकघर पूरा देखेंगे आप, ठीक है ना। और यहाँ पास कुछ पॉइंट और है इस पे, यह उन लेन देन को भी लेन देन करेगा जो इस संबंध में महानिदेशक द्वारा अधिकृत किए गए हैं, ठीक है, और ये पूरे लेन देन को लेन देन करेगा, पूरा काम करेगा, कौन सा, जो महानिदेशक जो है इसको अथोराइज्ड किए हुए हैं, अथोराइज किए हैं, अधिकृत किए हैं, ठीक है। कौन किया है, महानिदेशक, जिसे आप कहते हैं डायरेक्टर जनरल। अभी हम आपसे कुछ टाइम में पूछने वाले हैं कि डायरेक्टर जनरल आपके कौन हैं और डीजी कौन है, सॉरी डीजी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, चेयरमैन। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है इसके समय को बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा देने के बाद में क्या हम सारा काम कर सकते हैं, कौन कौन से काम होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये देखना है, ठीक है। चलिए,
विस्तारित घंटों के दौरान, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के समय को एक्सटेंड कर दिया गया है उस समय की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, ये डाकघर आमतौर पर वीपी सहित पंजीकृत लेख बुकिंग करेंगे, वीपी को भी और पंजीकृत लेख को भी, ठीक है, बुक करेंगे। रजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल ये बुक किया जाएगा। आईपीओ और डाक टिकट बेचते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट जो आपकी नॉर्मल होती है ये, ठीक है। बचत बैंक खाते में जमा और नगद प्रमाण पत्र की बिक्री शाम 7 बजे तक केवल सप्ताह के दिन में उपलब्ध होगी। टीएमओ का भुगतान भी शाम 6 बजे तक किया जाएगा। हमारी क्लास पे थोड़ा स्लो चलता है, काफ़ी लोग हमारी क्लास पे ये बोलते हैं कि आप जो क्लास चलाते हैं बहुत ही स्लो चलती है। हम अभी तक अगर 1 घंटा हम वीडियो देखते तो किसी और का अगर होता है तो क्लॉज हमारा भी 1 से हम 3 में पहुंचे हैं, और कहीं होता है 1 घंटे में आप 1 से स्टार्ट करते आप पहुंच जाते कहाँ पे, 15-20 में पहुंच जाते। लेकिन 15-20 में आप पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आपको बार बार फिर वो वीडियो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हमारा ये कहना होता है कि आप कोई भी चीज़ को एक बार देखें और वो पूरा क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। कुछ पॉइंट और है यहाँ पे आपके रात्रिकालीन डाकघर का, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के साथ साथ अन्य पोस्ट ऑफिस छुट्टी के दिन भी पोस्ट ऑफिस सीमित घंटे के लिए काम करते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस जो है, तो जब इसको सॉरी संडे को भी इसको ओपन रखने का काम दिया गया है, और संडे के साथ साथ में जब पोस्ट ऑफिस जो है छुट्टी देता है तो वहाँ पे भी एक क्या रहता है, इसको खुला रखा जाता है। हर जगह छुट्टी मिल गई लेकिन ये नाइट पोस्ट ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। ये कार्यालय केवल 10 बजे से 17 बजे तक एक शिफ्ट में काम करते हैं। ये 10 बजे से 17 बजे तक ये आपका जो पोस्ट ऑफिस है ये सही है। 10 से 17 मतलब 5 PM तक, ठीक है। तो ये 10 से 17 5 PM उस टाइम पे काम करेगा जब रविवार होगा या फिर पोस्ट ऑफिस हॉलीडे होगा 2 दिन, ठीक है। चलिए, कार्यालय के वितरण कार्यों को पूरी तरह से निलंबित किया कर दिया जाता है। साथ ही मनी ऑर्डर और सेविंग बैंक की भुगतान और डाकघर के प्रमाण पत्र भी इन दिनों निलंबित रहते हैं। आपका जो यहाँ पास देख सकते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस है संडे को, और पोस्ट ऑफिस छुट्टी के दिन सभी प्रकार के काम को बंद कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। अब चलिए, इसके आगे हमारा एक पॉइंट और है, क्या हम उसे भी कवर करें, मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी है, इसको भी हम जरूर देखते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे 44 मेंबर में से कितने लोग जानते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिस बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पूना, जयपुर और भिलाई औद्योगिक टाउनशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। इतनी जगह ये लोग काम कर रहे हैं। इन मोबाइल डाकघर का उद्देश्य शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक निश्चित कार्यक्रम, ठीक है, कहाँ गई पिन हमारी, एक निश्चित कार्यक्रम बीमित और वीपी को छोड़ करके अनुसार अलग अलग समय पर देर से डाक पोस्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। ये कार्यालय रविवार और डाक अवकाशों पर बंद रहते हैं। डाक घर टिकट और डाक लेखन सामग्री बेचते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करते हैं। स्थल और हवाई डाक की बुकिंग करते हैं। हवाई पार्सल और लेटर भेजने की वस्तुओं को रजिस्ट्री करते हैं। इसके अलावा प्रेषण के लिए लेटर मेल की रजिस्ट्री सामग्री भी लेते हैं। मद्रास और नागपुर में मोबाइल डाकघरों को भी मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति प्राप्त है। हर जगह मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है, बट यहाँ पास मद्रास और नागपुर में मोबाइल डाकघर में भी मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए, अब आपको हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे कि आप बताइए मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है, बट यहाँ पे आपने शायद अभी किसी ने लिखा नहीं है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है, एक वैन गाड़ी होती है, एक गाड़ी होती है जिसपे पोस्ट ऑफिस का पूरा चारों तरफ से पेंट होता है, और वो गाड़ी शहरों में जो बड़े बड़े शहर है ना वहाँ पे जाती है गाड़ी, और वो गाड़ी क्या काम करती है, चलता फिरता डाक घर उसे कह सकते हो आप।
चलिए यहाँ पास कमेंट भी आ गया, चलता फिरता। चलिए हाँ, तो ये जो है डाक गाड़ी जो है, तो जहाँ पास ज़्यादा काम धाम रहता है वहाँ पे गाड़ी जाती है, वहाँ पे काम करवाती है, उसके बाद में छुट्टी दे देती है। तो क्यों, आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप सभी को बताइएगा। 9 बज गए हैं, 1 घंटा हो चुका है। उधर पे थोड़ा सा हमारी क्लास क्या हो गई थी, छूट गई थी। तो यहाँ पास हम इसको अभी करते हैं क्लोज। यहाँ पास थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है, ये तो आपका काम ही है, कर देंगे। लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पास थोड़ा सा जानकारी ज़रूर दीजिए कि आप आज की क्लास आपको कैसी लगी है, यहाँ पास कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और इसके साथ में ही बाकी कोई भी डाउट है आपको क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का पहला क्लास था जिस पे आपने देखा कि हमने बताया पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में मोबाइल पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस और इसके साथ ही टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट। अभी हम अगली जो भी कल की क्लास है उस पे हम देखेंगे। हमारी क्लास डबल आ रही है क्यों भैया? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा जी, रोज की तरह बहुत शानदार रहा। हाँ जी, मुझे तो लगा कि रोज की तरह से थोड़ा सा कम अच्छा रहा होगा आज, लेकिन चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आप सभी कितने सारे कमेंट को देख करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ऐसे ही आप लोग हमेशा हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़ते रहें, कमेंट करते रहें। हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं आप सभी के लिए कि आपको अच्छा मटेरियल दें, अच्छे तरह से एक्सप्लेन करें जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। और हमारा यही प्रयास रहता है कि आप कोई भी चीज़ को एक बार पढ़ें और वो आपको हमेशा के लिए रट जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो बस यही है। सर आप वो धुन बजाते हैं कि नहीं? अभी वो धुन वाला काम चल रहा है जी, वो आज पहला दिन है ना, तो अभी धुन नहीं बजाएंगे, नहीं तो फिर रोज़ बजाना पड़ेगा। आप कहाँ से याद भी दिला दिए आज ही। अच्छा, यहाँ पास आज पहला दिन किनका किनका था ये बताइएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है हम पब्लिक क्लास में कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि जिन लोगों ने पैसा यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है हमें, और पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा तो ना लगना चाहिए कि हमने गलत जगह पैसा भेजा है। और मेरा ये दावा है कि आप लोग अच्छी तरह से रेगुलर क्लास अगर अटेंड करेंगे तो आपको कोई भी जो क्लास है आपको गलत नहीं लगेगी। आज 9 से 10 बजे कुछ नहीं है, आज छुट्टी मनाइए, कल से होगा, क्योंकि अभी आज पहला दिन है, आज ज्वाइनिंग का दिन है सभी का। और हमारे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मैं अभी मैनेज करता हूँ, उनको भी एडमिशन के लिए वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो टाइम थोड़ा कम है। कल से आपकी जो क्लास है 2 घंटे हो जाएगी, तब शायद हो सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। थैंक्स सर, रियली इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास। इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट है तो इन्फॉर्मेटिव क्लास तो हमारी रहेगी ही। सर मेरा है जितेंद्र जी, चलिए जी, फर्स्ट क्लास। कंचन जी, अच्छा, रितु जी और नरेंद्र जी, अमरजीत जी, हार्दिक और ओम प्रकाश ठाकुर जी, स्नेहलता जी, चलिए संतोष कुमार, फर्स्ट डे सर, चलिए काफ़ी लोगों का आज फर्स्ट डे है। आप लोग लाइक भी 51 पहुंचा दिए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा है जोगेंद्र जी, सभी के नाम मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, वन का डी, अभी मैं क्या करूंगा कि कुछ क्विज वगैरह हैं ग्रुप में, मैं क्विज भेज दूंगा, आप उन क्विज को सबमिट करना, आप देखना आपका स्कोर कितना आता है। लता जी आपका भी फर्स्ट क्लास है, चलिए सभी का फर्स्ट क्लास है और सभी को अच्छा लगा। और सभी लोग थ्योरी क्लास में, मैक्सिमम लोगों को कभी कभी बोरिंग सा लगता है, नींद आने लगती है, बट आज ऐसा हुआ नहीं होगा शायद। स्नेहलता जी,
इस क्लास को ऑफलाइन देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जितेंद्र गोयल जी। ये जो आपकी क्लास है ये आपके व्हाट्सएप पे इसकी लिंक जो है परमानेंट रहेगी जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, और जैसे ही आप डिलीट कर देंगे तो ये चली जाएगी, तो आप डिलीट नहीं करना। वन बाई वन क्लास आप अपने व्हाट्सएप पे सेव करके रखे रहना, डिलीट मत करना, और कभी भी आप देख सकते हो। अभी देखें, बाद में देखें, या फिर कभी भी देखें जब आपको टाइम मिले। यूट्यूब में क्लास चलाने का यही एक बहुत अच्छा फ़ायदा है हमारा कि आप कभी भी क्लास को देख सकते हैं, आपकी क्लास नहीं छूटेगी। जूम वगैरह में भी क्लास चला सकते हैं, लेकिन जूम वगैरह में यह है कि आपका अगर 10 मिनट लेट हो गया या फिर क्लास छूट गई तो आपकी उस दिन की पूरी क्लास ही छूट जाएगी, है ना, उसमें दिक्कत हो जाएगा। बट यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा है कि आप एक बार नहीं देख पाए तो आप दोबारा किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पास अपनी वीडियो को क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जिन्होंने आज हमारे साथ क्लास लिया, और कल की क्लास में हम सभी मिलेंगे शाम 8 बजे। हाँ, एक बात हम आप जो लोग न्यू हैं उनके लिए सिर्फ एक बात है कि जब हम यहाँ से लाइव करते हैं तो 8 बजे हमारा टाइम है, 8 PM, ठीक है। तो क्या होता है कि 8 बजे ही मैक्सिमम लोगों का मुझे कमेंट आने लगता है कि क्लास का लिंक, क्लास का लिंक, क्लास का लिंक। आप जानते हैं कि बेचारा छोटा सा मोबाइल बच्चा सा है, इसमें जब बहुत सारे मैसेज आएंगे तो ये मोबाइल क्या होता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। तो 8:05 तक आप इंतज़ार करें, ठीक है, 8:05 तक आप इंतज़ार करें। अगर 8:05 तक वीडियो नहीं आती है तो हम अपने इधर से एक मैसेज आपको छोड़ेंगे। मैसेज भी हम नहीं भेजे, उसके बाद में आप 8:10 में आप मुझे अपनी तरफ से मैसेज कीजिए कि क्लास का लिंक नहीं आया, क्यों नहीं आया, कैसा भी है। सभी लोग नोट्स भी बनाना और ग्रुप डिस्कशन करते रहना जिससे दूसरे डिवीजन के लोगों से तैयारी बढ़े। ये बात तो सही है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ये वाली हम ऑफलाइन वीडियो एक रिकॉर्ड करेंगे, उसको शेयर करेंगे, तब सबको समझ आएगी वह बात राहुल जी जो आप कह रहे हैं। चलिए, ऐसा लगता है कि अभी हम क्लास पे ही बने रहे हैं, आप सभी के कमेंट यहाँ पे आ रहे हैं, बट अब टाइम हो गया है क्लास को एंड करने का भी, तो अब हम यहाँ पास क्लास को एंड करेंगे। और जो हमारा यह समय है 8 बजे से, 8 से हमारा 9 का, ठीक है, और 9 से हमारा ये टाइम है आपका 10 का, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत तो नहीं है। आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी ना, ब्रेक नहीं होगा। जैसे हम ऑन करेंगे तो 2 घंटा लगातार लाइव चलेगा, बीच में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं 10-15 मिनट का, बाकी लाइव चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। सौम्या राजन जी, क्लास बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक पॉइंट है सौम्य राजन जी। जी, पॉइंट को ध्यान में दिया जाएगा, बताइए आप। बीरू भगत जी, ग्रुप में ऐड कर दीजिए, कर दिया जाएगा। हाँ, यह है कि हम एनी टाइम कॉल पे अब नहीं रह पाते हैं, आप लोग जब फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं तो हम कॉल पे हमेशा नहीं रहते। हमारे असिस्टेंट हैं वो लोग कॉल अटेंड करते हैं, बात करते हैं, तो उन लोग से। चलिए, पॉइंट लिखिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जितेंद्र जी। रिलेटेड MCQ होना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, और इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखे हैं, और इसके लिए हम एक अलग से बंदे को बैठा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक अलग से बंदा हमारे स्टूडियो में इसी काम के लिए है कि हम जो आज की क्लास चलाए हैं इसका MCQ जो है मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिलेगा। और वह टेस्ट आपका कैसे होगा, चलिए थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर ये सर्वर सही चल रहा हो। ग्रुप में ही आएगा आपका, ठीक है, वहीं पे आप देख सकते हैं। फ़ोन में आपको सर आपके साथ एक वीडियो शूट होगा मेरा, कभी समय निकालिए। बिल्कुल राहुल सर, आप समय तो हमारे पास है, बस आप समय निकालिए, हमें भी अच्छा लगेगा पोस्टल असिस्टेंट के साथ में बात करने में, न्यू पोस्टल असिस्टेंट।
ये देख सकते हैं यहाँ पास क्विज के रूप में दिखाया गया है। क्विज जो है आपके 50 क्विज का है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। जैसे क्लास होगी ना उसके बाद में ही यहाँ पास आप जिस क्वेश्चन में आप भागना चाहते हैं, यहाँ पास क्वेश्चन का क्रमांक है, जैसे आप 10 में जाना चाहते हैं 10 को क्लिक करेंगे, यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये नीचे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको 30 नंबर का क्वेश्चन देखना है, आप 30 में क्लिक करें और ये आप 30 नंबर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ऐसे करके आपको 1 बाई 1 करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा हम इस पर ज़्यादा ही जूम कर दिए हैं। 1 क्वेश्चन पे हम आते हैं, आपको डेमो दिखाते हैं। यहाँ पास AMPC क्या है? AMPC ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है। आपका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमने डी में यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। डी के बाद अगर आप चाहते हैं इसको हम स्किप कर दें, क्वेश्चन को सबमिट ना करें, स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपको चेक करना है, यहाँ पे चेक दबाइए, ग्रीन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही है, करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका आंसर करेक्ट है। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। क्वेश्चन नंबर आप 2 पे आइए। यहाँ पास है निजी मुद्रित पत्र कार्ड का गरिष्ठ वजन क्या होता है? तो ये होता है, देख सकते हो यहाँ पास निजी मुद्रित पत्र कार्ड का 2 किलोग्राम होता है। हम यहाँ पे 3 किलोग्राम लगा देते हैं जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाए, और हम देखते हैं गलत गलत कैसे है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास हम गलत कर दिए हैं, अच्छा जी सॉरी, यहाँ पास हम मुद्रित पत्र कार्ड का जो गरिष्ठ वजन है 3 ग्राम ही होता है, सही है, हम कन्फ्यूज में हो गए थे। चलिए क्वेश्चन गलत करके आते हैं। बुक पैकेट वाला हमें ध्यान में आ गया था, ऊपर के सभी इसको ले लिया जाए। और यहाँ पे गलत वाले कहाँ हैं जी? पुलिस की डायरियाँ, एक गलत वाला क्वेश्चन लेना है। यहाँ तो सब सही हो रहा है, ब्लाइंड लिटरेचर ये गलत नहीं होगा, चलो रैंडम ही कर रहे थे, सब सही हो रहे हैं, ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे हम गलत जो दिखाना चाहते थे अब मिल गया मुझे, ऐसे तुक्का मार रहे थे हम बिना क्वेश्चन को पढ़े, देखो सही सही हो रहा था, 4 क्वेश्चन सही हो गए। परीक्षा के टाइम में भी ऐसा हो जाए बहुत बढ़िया रहे, कुछ क्वेश्चन ना बने तुक्का में सब सही हो जाए। 5वें नंबर के क्वेश्चन में देख, ब्लाइंड लिटरेचर का पैकेट हमने 2 में क्लिक कर दिया था, जबकि 7 आंसर सही हो गया, तो जो हमने क्लिक कर दिया वो रेड हो गया है, जो सही था वो 7 आ गया। अब बात करिए की जाए कि आप ये सब कैसे देखेंगे, है ना? आप अगर हम आपके पास नहीं भेजते हैं तो आप कैसे पाएंगे? आप www.informativeinstitute.com ओपन करिएगा, या फिर informativeinstitute.com ही लगा दीजिए, मिल जाएगा। यहाँ देखिए सब कुछ यहाँ पे वेबसाइट में हमारे बहुत सारे क्विज जो हैं ऑलरेडी लोड हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी हम आपको क्लास में ग्रुप में भेजते रहेंगे, आप लोग देखते रहना, ठीक है। चलिए ओके, अभी हम यहाँ पास अपनी क्लास को क्लोज करेंगे। सभी को गुड नाइट, बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।